और सब कैसा है? आई रेडी होप कि सब बढ़िया हो। मैं हूँ आपका दोस्त आकाश राठौर। नाइट लाइफ यूएस में कैसी है? इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स काफ़ी टाइम से कमेंट सेक्शन में थे और कई लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि नाइट लाइफ के बारे में दिखाइए, नाइट लाइफ कैसा है वो बताएं। तो फाइनली आज नाइट लाइफ का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और सबसे ज़्यादा लिट जो सिटी है उसमें कर रहा हूँ। जी हाँ, लास वेगस में हूँ और आज आपको दिखाऊंगा कि लास वेगस की नाइट लाइफ कैसी है। ऐसे यहाँ पे जो फूड काउंटर से वो चलते हैं, लोग क्या करते हैं रात में, कैसे घूमते होते हैं और ओवरऑल जो लाइफ स्टाइल है, रात का कल्चर वो कैसा है, इससे अच्छा आपको नाइट लाइफ कहीं पे भी नहीं मिलता है पूरे यूएस में। तो आज हम एक्सपीरियंस करेंगे लास वेगस की नाइट लाइफ। सबसे पहले हम आए हैं फ्रीमोंट स्ट्रीट, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्ट्रीट है लास वेगस की, स्ट्रिप के अलावा जहाँ नाइट लाइफ सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, लाइव बैंड म्यूजिक और ये सब होता है, वो स्ट्रीट का नाम है फ्रीमोंट स्ट्रीट। और यह है फ्रीमोंट स्ट्रीट जो आपने कई सारे वीडियोस में देखी होगी। आगे से आपको क्लोज लुक जो है स्ट्रीट का, यहाँ से एंट्रेंस है फ्रीमोंट स्ट्रीट। एक्सट्रीमली लिट जगह है फ्रीमोंट स्ट्रीट और हर जगह लाइव म्यूजिक, लाइव बैंड चल रहा है। देखिए जैसे यहाँ पे लाइव बैंड हो रहा है, तो बहुत छोटा बच्चा ड्रम बजा रहा है। छः या सात साल का है पर वो इतना अच्छा ड्रम बजा रहा है। सिक्योरिटी पूरी है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे वॉक कर रहे हैं हर जगह, पर पुलिस हर जगह, ऐसा नहीं कि सेफ्टी नहीं है। रात का टाइम है पर फुल सेफ्टी है, क्लीनलीनेस मेंटेन की हुई है। उतने लोगों में भी भीड़ है पर फिर भी गंदगी बिल्कुल नहीं है आसपास, जो कि बेस्ट पार्ट है। देखिए यहाँ पे लाइव म्यूजिक अगेन और लोग डांस कर रहे हैं। स्प्रे पेंटिंग का आर्ट चल रहा है, आर्ट शो बनाते हैं। और ऊपर देखिए रात में उन्होंने पूरा इसको कवर करके कितनी अच्छी लाइटिंग की है। एंट्री पे ही काफ़ी पॉपुलर शॉप, 99 सेंट्स में मैग्नेट मिल रहे हैं, जो मैग्नेट जनरली $5-6 का मिलता है। उस तरीके से काफ़ी लोग शॉपिंग कर रहे हैं। और ड्रिंकिंग इस सिटी के कल्चर का बहुत बड़ा पार्ट है, तो इसलिए जो गिफ्ट्स वगैरह उनमें भी ड्रिंक वगैरह का जो कल्चर है वो दिखता है। स्ट्रीट पे भी सभी लोग अपने अपने हाथ में अल्कोहल वगैरह लेके चल रहे हैं और काफ़ी हैपनिंग है, आप देख ही रहे हैं। आगे स्टोर से बाहर निकलते हैं और देखते हैं फ्रीमोंट स्ट्रीट पे क्या क्या है। मैं पैदल चल रहा हूँ और स्ट्रीट गजब है, कलर चेंजिंग और पूरा जो ऊपर से प्लानिंग चल रही है। स्ट्रीट के ऊपर आप से प्लानिंग कर सकते हैं। इंटीरियर इसका वो हमेशा चेंज होता रहता है, आसपास लोग आप देख रहे हैं, स्ट्रीट है पूरी और ऊपर जो है वो गजब चेंज होता है। जिप लाइनिंग चल रही है ऊपर, आप जिप लाइनिंग कर सकते हैं पूरी इतनी लंबी स्ट्रीट के ऊपर और व्यूज़ बहुत अच्छा। आई थिंक ये बेस्ट नाइट लाइफ के लिए जगह है फ्रीमोंट स्ट्रीट लास वेगस में। अभी और हम कवर करते हैं और भी जगह जाएंगे। कई सारे स्ट्रीट परफॉर्मर्स हैं, देखिए ये एक स्ट्रीट परफॉर्मर है जो स्टैचू बने हुए हैं साइकिल के ऊपर, असली परफॉर्मर है, हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन लिखा हुआ है। और उनका डेडिकेशन देखिए कितना गजब है, वो रियल है बट बिल्कुल मूर्ति जैसे लग रहे हैं। एक और परफॉर्मर यहाँ पे ड्रम्स बजाते हुए, ऐसे बहुत सारे परफॉर्मर्स हैं यहाँ पे जो कसब का काम कर रहे हैं एंटरटेन करने के लिए लोगों को। और इस तरह की नाइट लाइफ हमारी अभी चल रही है। और जिनसे भी आप डरते हैं वो सारे कैरेक्टर्स यहाँ पे लगे हुए हैं। तो अभी स्ट्रीट के एंड साइड पहुंचा हूँ, वहाँ पे लाइव बैंड चल रहा है। और भी बहुत सारे स्ट्रीट परफॉर्मर्स हैं, जैसे ये देखिए तो फ्रीमोंट स्ट्रीट से अभी निकल के मैं पहुंच गया हूँ बेलाजियो, जो कि स्ट्रिप पे है। स्ट्रिप जो हमने दिन में देखा था वो रात में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है यहाँ पे। बिल्कुल फ्रीमोंट और स्ट्रिप दो ही वो स्ट्रीट्स हैं जो वेगस में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। स्ट्रिप जो स्ट्रीट है उस पे सारे बड़े बड़े कसिनोज और बड़े बड़े होटल्स हैं, एंड जो वाटर फाउंटेन का शो है वो स्ट्रिप पे होता है। तो वो हम देखेंगे कि वाटर फाउंटेन का जो शो जो बहुत पॉपुलर है, आपने कई वीडियोस में और कई मूवीज़ में देखा होगा,
वो स्ट्रिप जो स्ट्रीट है उस पर होता है। और ये शुरू हुआ फाउंटेन शो हमारा। एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल पटाखों की आवाज़ के साथ ही फाउंटेन शो चलता है। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अट्रैक्शन है पूरे वेगास का। पूरी स्ट्रीट भरी होती है, जैसे हमने फ्रीमोंट स्ट्रीट देखी उसी तरीके से यहाँ भी बहुत सारे परफॉर्मर्स परफॉर्म करते हैं। और एक मेजर अट्रैक्शन ये वाटर शो है। अभी कर रहा हूँ बेलाजो के सामने जो स्ट्रीट है उस पर वॉक। स्ट्रीट देखिए आप कितनी ज़्यादा लाइट है। ये आपने कल दिन में देखी थी पेरिस, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क ये सभी जो चीज़ें थी ये दिन में हमने देखी। और रात में कुछ इस तरह का माहौल है यहाँ पे। रात की 11:30 बज रही है बट स्टिल लोग काफ़ी एक्साइटेड है। 5 मिनट का वाटर फाउंटेन शो था जो हर आर में चलता है। इसी के साथ साथ एक वॉल्केनो शो भी होता है, वो मैं नहीं कैच कर पाया, पर अगर फुटेज आपको ज़रूर दिखाऊंगा फोटो वगैरह में। वॉल्केनो शो वो भी बहुत पॉपुलर है यहाँ पे। और स्ट्रिप पे कई सारे परफॉर्मर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ओपन में अल्कोहल वगैरह मिलेगा। और बहुत सारे स्ट्रीट आर्टिस्ट जो हमने वहाँ देखे उनसे भी ज़्यादा यहाँ पे होते हैं। जैसे ओपन में फूड मिल रहा है आपको, तो आप फूड इन्जॉय कर सकते हैं। इनका जो कल्चर है वो मेक्सिकन है। हॉट डॉग वगैरह जो अमेरिकन कल्चर है वो मिल जाएगा आपको। और कॉस्मोपॉलिटन जो हमने दिन में देखा था बेलाजियो के जस्ट पास में, वो कुछ इस तरीके से लाइट होता है रात में। जो सारे ब्रांड्स एंड ऑल जो गुची लुई वे वो सब हमने देखे थे वो भी यहीं पे हैं। सामने प्लैनेट हॉलीवुड करके होटल है, बहुत सारे बड़े बड़े होटल इसी स्ट्रिप में हैं। और लोग आप देखिए कितने ज़्यादा यहाँ पे आसपास वॉक करने के लिए। एक और बहुत पॉपुलर चीज़ है अभी यहाँ पे, वो ये कि फ़ोटो आप लें रुम्बा जो है उस पर खड़े होके। और कई लोग ये कर रहे हैं। $20 इसका चार्ज है। $20 में आप अपनी जो राउंड होके फ़ोटो आती है वीडियो आता है वो लें अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, ये है। और कई सारे आर्टिस्ट बीच में परफॉर्म कर रहे थे, कोई एक्रोबैटिक्स कर रहे हैं, तो काफ़ी लाइवली ये जो स्ट्रीट है स्ट्रिप और फ्रेमॉन्ट दोनों बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। फूड वगैरह के लिए बहुत सारी फैसिलिटी है, मैकडॉनल्ड्स, सबवे, जितनी भी बड़ी बड़ी चेन्स हैं वो सभी 24/7 ओपन होती हैं यहाँ पे। तो 24 घंटे आपको जो भी फूड पसंद है वो मिल जाएगा। इंडियन फूड अनफॉर्चुनेटली यहाँ नहीं मिलता है आपको 10 बजे के बाद, 10 या 11-12 के आसपास, तो पूरे टाइम इंडियन फूड नहीं मिलेगा और बाकी सब कुछ आपको मिलता है। और अपने साथ फोटो लेने के लिए कई सारे आर्टिस्ट होते हैं जो परफॉर्म करते हैं, जैसे थॉर सामने खड़े हैं, तो थॉर है उनके साथ आप फोटो लें। एंड वी हैव स्पाइडरमैन, बैटमैन बिहाइंड अस। सो बैटमैन है यहाँ पे। लाइव म्यूजिक हमने देखा। पब्स वगैरह की अगर बात करें तो एफ्रोजैक, मार्टिन गैरिक्स और जो बड़े बड़े डीजेज हैं वो प्रीटी मच हर वीकेंड पे वेगास में प्ले करते हैं। बहुत सारे लाइव शोज़ यहाँ पे होते हैं, जैसे कि अमेरिकाज गॉट टैलेंट हुआ और पेन एंड टेलर हुए, ये सारे जो शोज़ हैं वो भी यहीं पे शूट होते हैं। तो नाइट लाइफ तो बहुत अच्छी है ओवरऑल। वेगास सिटी आपने देखी, रात की 12 बजे अभी और फिर भी इतने लोग हैं मेरे आसपास, पूरी पैक है सिटी। लोग बस चलते जा रहे हैं, लाइव परफॉर्मेंस देख रहे हैं, फूड है, म्यूज़िक है और कितनी ज़्यादा लाइट है। तो उतनी लेट नाइट लाइफ की जो है वो सिर्फ लास्ट वेगास में आपको मिलती है। एंड आई होप आपको जो ओवरऑल नाइट लाइफ का वीडियो है वो पसंद आया हो। मिलते हैं अगले सैटरडे 8 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।